स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी पे। मैं गौतम प्रसाद और आज का जो हमारा जो टॉपिक है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर वालों के लिए हिस्ट्री से लिया गया है, जो चैप्टर हमारा फर्स्ट। जैसे कि बच्चों आपको पता होगा इस चैप्टर से हमारा पिछले 3 सालों से एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है और वो जो हमारा क्वेश्चन है हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले वो पूछता है कि आधुनिकता क्या है, आधुनिकता के बारे में बताइए। उसके बाद वो पूछता है पूंजीवादी के संदर्भ में व्याख्या की, आधुनिकता क्या है और उसकी पूंजीवादी के संदर्भ में व्याख्या करनी है कि क्या है। तो आइए हम इसी में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, 20वीं सदी की अवधारणाएं और परिभाषाएं, क्या क्या चीजें परिभाषाएं और अवधारणाएं हैं हम उसके बारे में जानते हैं। तो 20वीं सदी में जो क्या क्या चीजें परिवर्तन हुई है हम उसके बारे में बच्चों पढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा जो हमारा आधुनिक समय है वो उसमें हर एक क्षेत्र में क्या है, पूंजीवादी है। और पूंजीवादी ने क्या किया है, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र को गतिविधि की क्षेत्र में क्या किया है, बाधित करती हुई चली जा रही है। तो इसका सीधा तात्पर्य बच्चों कहने का ये है कि उन्होंने क्या किया है, उसको 2 भागों में बांट दिया है। जैसे कि उन्नत गतिशील देशों में बांट दिया है और एक गतिशील देशों में, तो मतलब एक जो पूरा डेवलप कर चुके हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा यहां पर दे रखा है एक है, ये जो डेवलप कर रहा है ये है यूएस दे दिया, और ये एक क्या है अभी धीरे धीरे अभी इधर की तरफ ऐसे पहुंचेगा, तो ये हमारा, तो ये क्या है विकसित देश है, विकसित देश, और ये क्या है हमारा विकासशील देश। विकासशील देश, ठीक है बच्चों। तो अब आइए इसमें किस किस तरीके से उन्होंने क्या किया है, इसको बांटने की कोशिश की है। तो अब आगे देखते हैं 20वीं सदी में कई ऐसे परिवर्तन हुए जिसमें कि हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कई ऐसे, ये 20वीं सदी में क्या हुआ, हमारे जितनी भी चीजें थी जो आधुनिकता से जोड़ दी गई, जैसे कि आपने देखा भाप इंजन का सब पहला जो हम इन्वेंशन देखते हैं आविष्कार जो हुआ भाप इंजन, जो ट्रेन का, उसके बाद इलेक्ट्रिशियंस का, कंप्यूटर का, बल्ब का, इन सभी तरीके से 20वीं सदी में कुछ न कुछ विकास होता रहा। अब इस विकास में जब बात करें तो सबसे पहले जो मेन चीज क्या आ गई, पूंजीवादी। पूंजीवादी को आने से हम सबसे पहले पूंजी के वादी के बारे में ही जान लेते हैं बच्चों, पूंजीवादी है क्या, पूंजीवादी। तो बच्चों पूंजीवादी का सीधा अर्थ क्या होता है कि इसका ये था निजी स्वामित्व, अब निजी स्वामित्व क्या होता है, जैसे कि रेलवे है उसमें कोई भी और कंपनी होगी खाली इसमें सरकार का अधिकार है, वो उसकी खुद की प्राइवेट, उसकी खुद की है स्वयं की, और किसी का इसमें कोई भी अधिकार नहीं है, तो ये निजी स्वामित्व हो गया। तो पूंजीवादी क्या करता था, इसमें एक और थे व्यक्तित्व, व्यक्तित्व स्वामित्व, व्यक्ति का स्वयं भी होता था। अब इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि पूंजीवादी में एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया। अब जैसे इन्होंने जन्म दिया तो इसमें निजी स्वामित्व आए, अब निजी स्वामित्व के साथ साथ बच्चों इसमें देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इसमें हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला जो हमारा इसमें भूमि, कारखाने, कच्चा माल, जितने भी हमारे भूमि कारखाने, कच्चा माल बच्चों, कच्चा माल होता क्या है, जैसे कपास, किसान ने खेती की कपास की और इससे क्या बना, कपड़ा, तो ये हमारा कच्चा माल है बच्चों, ठीक है। तो पूंजीवादी का मुख्य उद्देश्य क्या था, सबसे पहला चीज तो पूंजीवादी के बारे में जब हम जानते हैं तो पूंजीवादी का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों, उसमें क्या था, वो ज्यादा अधिक लाभ कमाना चाहती थी, चाहे उसको कुछ भी हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उससे उसे कोई फर्क नहीं है, उसे चाहे गरीब व्यक्ति हो चाहे वह अमीर हो, उसे दोनों से ही क्या करना था, लाभ अर्जित करना था, ठीक है बच्चों। अब आते हैं पूंजीवादी के जो है विशेषताएं क्या है, अब इसकी जो विशेषता जो बताई गई है इसमें जो 2 विशेषताएं है, सबसे पहला बच्चों अब 2 विशेषताएं कौन कौन सी है वो आइए इसकी जो विशेषता है हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। विशेषता सबसे पहले
उत्पादन पैदा करना, उत्पादन पैदा करना। दूसरा क्या है बच्चों, जो दूसरा है हमारा वो है आर्थिक लाभ। अभी आपको लिख करके बताया जाएगा आर्थिक लाभ। तीसरा हमारा है जो वो है व्यापार को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना। और चौथा हमारा जो है बच्चों वो है हमारा रोजगार और विकास। अब उत्पादन के क्षेत्र को बढ़ाना मतलब कि उन्होंने क्या किया, ज्यादा प्रोडक्शंस करना उस टाइम पे हो गया और ज्यादा विकास से जोड़ दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आर्थिक लाभ, मतलब चाहे कुछ भी हो मार्केट में कुछ भी हो इनको लाभ कमाने से मतलब है, ठीक है ना। दूसरी चीज इसमें क्या है, व्यापार को बढ़ाना। तो इन्होंने क्या किया, व्यापार को धीरे धीरे बढ़ाया। तो ये जो दौर है सबसे पहले हमारी, इसके दो चरण माने जाते हैं बच्चों। एक तो हमारी जो पहला चरण था वो 15वीं सदी से 18वीं सदी तक पहला चरण हुआ ये हमारा बच्चों। और इसमें दूसरा चरण जो है आपका, दूसरा चरण जो चला बच्चा आपका वो था 19वीं सदी तक, ठीक है। और इसके बाद जो आधुनिकता जो आई वो सबसे ज्यादा विस्तार में लेकर आएगी। अब पूंजीवादी ने क्या किया, रोजगार भी उत्पन्न किए, मतलब कई जब फैक्ट्रियां लगी तो उसमें क्या रोजगार की आवश्यकता पड़ी, मजदूर की आवश्यकता पड़ी, तो गांव से कई प्रवासी शहर की ओर आए और उन्होंने क्या जॉब करना, उनको जॉब मिली और जॉब करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या हो गई, तो हमने पूंजीवादी जान लिया, पूंजीवादी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, निजी स्वामित्व होता है। तो वो थी जहां पर कि अधिक लाभ कमाने का मतलब यही था उसका। और तरह तरह की फैक्ट्रियां आई और ये ज्यादातर किसने लगाई, ये जितने भी थे पश्चिमी देशों ने। जैसे कि आपको पता है हमारे भारत में किस पर आज आ गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो उसने क्या किया, ज्यादा लाभ करने के लिए क्या किया, यहां पर अपनी कंपनी स्टैब्लिश, तरह तरह की छापे मशीन लगाई, कई तरह की और उन्होंने कपड़े की मशीन लगाई। तो उससे जितना भी मिलने वाला लाभ था वो क्या किया उन्होंने अपने यहां पर। अब आइए साम्राज्यवाद और पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद क्या है। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद। अब जैसे कि आपको पता है साम्राज्यवाद और पूंजीवाद, साम्राज्यवाद विकसित पूंजीवाद देशों द्वारा राजनीतिक और आर्थिक संबंध का वैश्विक जो ढांचा है जिसे क्या करते थे, विश्व के अन्य देशों पर थोपा जाता था। जितने भी जो विकसित देश है वो क्या करते थे, जितने भी जो छोटे देश थे वो क्या करते थे, उसमें पूंजीवाद का वो जो वर्चस्व था वो उसके ऊपर थोपते थे। पूंजीवाद क्या थी, औद्योगिकीकरण और उपनिवेशीकरण को ही उसका उदय हुआ। इसके कारण क्या हुआ, उपनिवेशीकरण का उदय हुआ, मतलब कि कोई भी जो बाहर पूंजीवाद में क्या हुआ, उपनिवेशीकरण। तो उपनिवेशीकरण क्या है, जैसे कोई बाहर से देश आकर यहां पर अपना कुछ भी एस्टैब्लिश कंपनी लगाए तो वो चीज। तो साम्राज्यवाद क्या था बच्चों, उसमें क्या था, जितने भी साम्राज्यवाद विकसित पूंजीवादी देशों द्वारा राजनीतिक और आर्थिक संबंध का वैश्विक ढांचा जिसे विश्व के देशों में थोपा गया, मतलब कि कई ऐसी जगह जो पूंजीवादी देशों, जितने भी जो पश्चिम देश, तो उन्होंने क्या किया, बड़े जितने भी छोटे छोटे देश उनमें क्या किया, इसको थोपने की कोशिश की। लेकिन साम्राज्यवाद लोग वहां क्या किए, इससे अलग होकर उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। इनके जीवन में तो परिवर्तन आए लेकिन इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो उसमें बदलाव नहीं आया। और ये जो आपको बता दूं, जो ये जितने भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये मुख्य रूप से उनको नहीं चाहती थी किसी भी तरीके से भारत को सुरक्षित रखना, उसको लाभ पहुंचाना। उसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक लाभ कमाना। अब आते हैं बच्चों हमारा जो है आधुनिकता, आधुनिकता क्या है, आधु
अमेरिका। देखो आधुनिकता का जो अर्थ है वो पिछड़े हुए और विलोम से भी है। अब इसमें क्या है, प्रगतिशील होने का भाव भी क्या है, स्वयं को समाहित है। आधुनिकता में एक औद्योगिक सामान्यता समाहित, इसमें क्या होता है, आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक संस्था का मिश्रण होता है। तो आधुनिकता क्या था, जो जिसमें कि आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक जितनी भी संस्था है इसमें क्या होती है, मिली हुई होती है। तो जैसे नयापन, तो जैसे जब नयापन आया तो उसमें क्या हुआ, पुरानी जितनी भी संस्कृतियां थी वो क्या हो गए, धीरे धीरे खत्म होती चली गई। अब जैसे जैसे वो खत्म होती चली गई हमने क्या आधुनिकता की ओर बढ़ गए। अब आधुनिकता में क्या हुआ, प्रो का आरंभ, रोजगार आदि चीजें क्या हुई, इसमें बढ़ावा बढ़ोतरी होने लग गई और आधुनिकरण से ही बहुत ज्यादा। और वही आपका एक क्वेश्चन जो हमारा है वो है आधुनिक, आधुनिकता क्या है, आधुनिकता के बारे में आपको बताएं। आधुनिकता हमारी, सबसे पहले आप बताइए आधुनिकता जो है हमारी का अर्थ क्या है, वो पिछड़े हुए, पिछड़े का विलोम भी है। वो क्या है, पिछड़े हुए का विलोम है, जो हम पहले क्या थे और अब क्या है वो चीज, उसके बारे में दर्शाती है। दूसरी चीज, प्रगतिशील होने का भाव भी समाहित है, जैसे कि हमने किस किस तरीके से विकास किया उसके बारे में भी वो बताती है। इसके अंतर्गत क्या होती है, राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक संस्थागत जितनी भी चीजें होती है वो इसमें समाहित होती है। तो इसी कारण क्या होता है, यही हमारी आधुनिकता है, जिसमें भी नए नए आविष्कार हुए, जितने भी नए नए औद्योगिकरण जो हुए, तो वो क्या है, हमारी आधुनिकता ही है। पहले से हमारे में क्या बदलाव हुआ वो आता ही समझ लीजिए एक तरीके से। तो अब हम पूछते हैं पूंजीवादी के संदर्भ में व्याख्या कीजिए, पूंजीवादी की क्या व्याख्या करना है आपको बताना है, किस तरीके से हमारा पूंजीवादी में आने में क्या हुआ, निजी स्वामित्व हुआ और इसमें क्या पश्चिमी देशों से आया, व्यक्तिगत स्वामित्व भी था इसमें। तो आपको ये पूरी चीज इसमें बताना है। 20 नंबर का हमारा पिछले 3 सालों से आता रहा है, एक बार इसको देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।